पुत्री की जो भी विक्टिम है फर्स्ट फर्स्ट ऑफेंस में उसकी फोटो लौचे वायरल करते हैं। भाई, और हरासिंग है। रोशिफ, हमने कोई हरासमेंट नहीं किया है, अरे ये इनके फालतू का काम क्यों कर रहे हैं आप? इनके ईमेल पे भेज रहे हैं, मदर को जीमेल कर रहे हैं, मेल पे आने के बाद लौट करते हैं। हम लौट से मजदूरी का काम करते हैं। ठीक लौटी है, जेल जाइए, समझ में आएगा, आप लॉर्डशिप मजदूरी देखो, करिए। ट्रायल होने हमारे यहाँ हमारी विधवा माँ रहती है लॉर्डशिप, रात में 2 बजे भी हमें रेस्टिंग के लिए भेज देते, हमने कभी इन्हें परेशान नहीं किया। अरे इनको क्या दुश्मनी है आपसे? इनकी दुश्मनी है लॉर्डशिप, क्योंकि हम बेल में आ जाते हैं तो तो ये इनको इन्हें दुश्मनी हो गई कि आप बेल में आ गए बेल हैं? लॉर्डशिप आप इनकी लड़कियों को लॉर्डशिप छेड़ते हैं तो इनको दुश्मनी है आपसे, और क्या है? लॉर्डशिप नहीं ये कहीं इन खाने थोड़े दिन अंदर रहिए आप, एक आध महीना आपको जब ही समझ आए। लॉर्डशिप हमारी सभी जो कि ट्रायल कोर्ट से लॉर्डशिप बेल हमें हो गई थी, उसके बाद में फिर उन्होंने N3 कैंसिलेशन के लिए ये लगाया था। आपको एंटिसिपेटरी बेल क्यों देंगे? 195A का मुकदमा आ रहा है आपके नहीं अगेंस्ट, लॉर्डशिप, 195 A में ही हमें बेल ग्रांट हुई लॉर्डशिप N3A2 ट्रायल कोर्ट से। उसके बाद क्या, तो आपने उसके यहाँ बाद क्यों में लगाई है? लॉर्डशिप चालान पेश हुआ तो इन्होंने धारा 23 का इजाफा किया, किसका? धारा 23 पॉक्सो का, धारा 23। 23 लॉर्डशिप। यस, उसके बाद में फिर इन्होंने कैंसिलेशन की भी लगाया N3A3 लॉर्डशिप, ट्रायल कोर्ट फिर कैंसिलेशन भी इनका खारिज कर दिया। हमारे ऊपर एक मुकदमा बना था 376 का, उसमें भी हमारी बेल ग्रांट हो गई थी। अब इनका ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं ये 76 के मामले से संबंधित है, और उस समय वो पेश हो चुकी थी और हमारी बिल ग्रांट हो चुकी थी इस पे। और इनका जो ID का है लॉर्डशिप, थी इनकी ID का हमने कोई मिस यूज नहीं किया, ट्रायल कोर्ट में भी हमने पेश किया था, ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को माना है, वो हमारी ID थी। और यस, हमारे आपको क्या कहना है? लॉर्डशिप काइंडली सीइंग माय ऑब्जेक्शन यस, लॉर्डशिप, वी हैव फाइल Annex A1, इट इज अ ये पहले ऑफेंस जो था इनका, इसमें इनको बेल मिली थी। इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने एक कंडीशन अपोज की थी लॉर्डशिप की, 437(3) की लॉर्डशिप, दे हैव नॉट, इन्होंने कोई भी शर्तों का पालन नहीं किया आज तक लॉर्डशिप। इनकी फर्स्ट बेल हुई, उन्होंने 437(3) की जो कंडीशन थी उसका वायलेशन किया। ये 24 अगस्त 2023 को इनको बेल मिलती है, 27 अगस्त को ये हमारी माँ के Gmail ID में एक फॉलोइंग भेजते कब हैं, इनको बेल मिली? 24 अगस्त। 2023 को लॉर्डशिप, यस ये Annex A1 है लॉर्डशिप। यस, उसके बाद लॉर्डशिप ये 27 अगस्त को, जैसे ही छूट के आते हैं 27 अगस्त को ये हमारी माँ की Gmail ID में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉलो करने के लिए। और हम जब हमारी माँ ने उस Gmail ID खोल के देखी, S. पटेल के नाम से थी उनकी Gmail ID, तो उसमें लॉर्डशिप ये हमारी पुत्री की जो भी विक्टिम है फर्स्ट ऑफेंस में उसकी फोटो लॉर्डशिप वायरल करते हैं, जो Annex A2 है लॉर्डशिप। उसमें इन्होंने कुछ शायरी भी लिखी है लॉर्डशिप, मैं आई रीड थीसिस में लॉर्डशिप तो कुछ भी नहीं, आपने फाइल जो किया लॉर्डशिप ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन लॉर्डशिप कुछ शायरी भी लिखी हुई है, जिससे इनके इंटेंशन क्लियरली ये शो हो रहे हैं कि ये जो है फिर से ले जाने की इसमें बात कर रहे हैं लॉर्डशिप। और लड़की की फोटो भी लगाई हुई है ठीक विक्टिम है? की, इसमें इट्स अ देर इज माइनर चाइल्ड। नथिंग इनडिसेंट एंड 23 इज पनिशेबल विथ 6 months ओनली। लॉर्डशिप एंड 11 इज ऑल्सो लॉर्डशिप, यस 11 11 पॉक्सो 11, इन्होंने कंटेन जो था बच्ची का वो अपने पास रखा हुआ था, जिसलिए इसने इनके ऊपर 11 सेक्शन भी लगाई गई है लॉर्डशिप। व्हाट इज 11? 11 लॉर्डशिप नहीं है इस पर, धारा 23 ही है, तेईस ऐसे के साथ साथ 11 भी है लॉर्डशिप। मे काइंडली सी इन दिस कॉपी Annex A3 लॉर्डशिप, माई ऑब्जेक्शन Annex A3, इसमें यस 173 की रिपोर्ट है, इसमें 23 के साथ 11(4) भी लगाई गई है इनके ऊपर। लॉर्डशिप भाई, और हरासिंग है। हमने कोई हरासमेंट नहीं किया है, अरे ये इनके फालतू का काम क्यों कर रहे हैं आप? इनके ईमेल पे भेज रहे हैं, मदर को जीमेल कर रहे हैं, मेल पे लॉर्डशिप आने के बाद। आप एनेक्सर देखेंगे, हमारे हमारी आईडी हम एंड शी इज अ माइनर गर्ल। लॉर्डशिप के Gmail ID हमने कभी भेजा अरे ही आप नहीं क्या है, करते हैं? हम लॉर्डशिप मजदूरी का काम करते हैं ठीक है, लॉर्डशिप। जेल जाइए, समझ में आएगा आप।
लॉर्ड सिटी मजदूरी ने, करी है। ट्रायल क्यों कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव परेशान कर रहे हैं आप? कभी नहीं किया परेशान, आई एम अरे रिक्वेस्ट आपको बेल हुई उसके बाद आपने जीमेल किया, ये सब इनके पास प्रूफ है। इसी ग्राउंड पर जो हमने जीमेल आईडी की बात करें, हमने इनकी जीमेल आईडी में भेजे नहीं, वो हमारी आईडी खुद की आईडी ने, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जो हमारी तो आईडी से ये किसी, खुद बनाएंगे क्या? ये लॉर्ड सिर्फ इन्हें क्या, आप देखिए इनकी आईडी देखिए, हमारी आईडी से हर्ष श्रीवास के नाम से, हमारे हर्ष श्रीवास के नाम से इनकी आईडी में कभी जीमेल ठीक है, आईडी नहीं गई। देखिए लॉर्ड सिर्फ सारे काइंडली आप सीन A5 लॉर्ड सिर्फ चार चालान इनकी फाइल होने चाहिए। जो एप्लीकेंट हैज फाइल्ड इसमें एप्लीकेशन लॉर्ड फॉर दो मिनट लॉर्ड सिर्फ, इसमें जो एनेक्स A3 है, इन्होंने कैंसिलेशन के लिए भी इसी आधार पे लगाया था, धारा 23 भी लगाया था, वो भी इनकी खारिज हुई थी लॉर्ड सिर्फ। हमने कभी इन्हें परेशान, बल्कि इन्होंने हमारे यहाँ हमारी विधवा माँ रहती है लॉर्ड सिर्फ, रात में 2 बजे भी हम अरेस्टिंग के लिए भेजे थे, हमने कभी इन्हें परेशान नहीं किया। और जो डॉक्यूमेंट्स ये अरे इनको क्या दुश्मनी है आपसे? इनकी दुश्मनी है लॉर्डशिप, क्योंकि हम बेल में आ जाते हैं तो तो ये इनको इन्हें दुश्मनी हो गई कि आप बेल में आ गए हैं? लॉर्डशिप, वैसे ही हमारे खिलाफ ही आप कंप्लेन इनकी दर्ज लड़कियों को लॉर्डशिप, छेड़ते हैं तो इनको दुश्मनी है आपसे और क्या है? लॉर्डशिप ने कभी नहीं ये इन थोड़ी छेड़खानी, दिन अंदर रही आप एक आध महीना, आपको जब ही समझ आएगा। लॉर्डशिप हमारी सभी 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 ऑफेंस में लॉर्डशिप हमारी बेल आप कंडीशन भी कर दीजिए लॉर्डशिप, अगर ऐसा ना, यस, इनका क्या रिकॉर्ड है स्टेट? ये दो रिकॉर्ड है लॉर्डशिप, 76 का इनका, आप थोड़ा शांत रहिए। स्टेट क्या रिकॉर्ड है इनके? कोई कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है? A5 में जो पूरा वेरीफाई हुआ है कि जो इंस्टाग्राम आईडी थी इसी की थी, ये A5 हमने लगा हुआ है ऑब्जेक्शन, मैडम ऑफेंसेस आर माइनर इन नेचर, 6 months, थ्री बट इयर्स आईडी इज वेरीफाइड, इज अ और ये यंग बॉय, एक्शन शो कर ट्वेंटी रहे हैं कि इयर्स हम इसको फिर से लेके जाएंगे। ये जो A2 लॉर्डशिप हमने लगाया है, उसमें कंटे शो हो रहे हैं कि ये हमें फिर से हमारी बेटी को फिर से ले जाने की फिक्र में है लॉर्डशिप। ये 195A का क्या एलिगेशन है आपका? लॉर्डशिप चूंकि इन्होंने जो है इसमें आया फिर है से बात, लेके जाएंगे मतलब? पहले भी लॉर्डशिप लेके गए हैं क्या? काइंडली सीन A2, इसमें शायरी लिखी हुई अरे है लिखी है इन्होंने, हम फिर से लेके जाएंगे। हम पूछ रहे हैं इससे पहले भी लेके गए हैं क्या? लॉर्डशिप, फर्स्ट ऑफेंस में ये है, भोपाल चेन्नई सब लेके गए हैं, के साथ ले गया था, एज कितनी है प्रोसिक्यूटरेक्स की? व्हाट इज द एज? माइनर कितनी है एज? माइनर की भी एज होती है ना। 16 साल 7 महीने। एप्लीकेंट हैज फाइल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ बीसीसीआई फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल पुलिस स्टेशन ऑफेंसेस। पुलिस काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट सबमिटेड दैट ऑफेंसेस आर नॉट सीरियस इन नेचर। फॉल्स एलिगेशन अंडर सेक्शन 195A इज मेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट इज यंग बॉय एजेड अबाउट 20 years। इन दिस सर्कमस्टांसेस ही मे बी ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल। काउंसिल अपियरिंग फॉर ऑब्जेक्टर अपोज द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। इट इज सबमिटेड दैट आफ्टर बींग रिलीज्ड ऑन बेल एप्लीकेंट इज डूइंग इज सेंडिंग ई मेल मैसेजेस टू मदर एंड हैज थ्रेटन टू टेक अवे प्रोसिक्यूटरिक्स अगेन। गवर्नमेंट एडवोकेट अपोज द एप्लीकेशन एंड सबमिटेड दैट प्रोसिक्यूटरिक्स इज अ यंग गर्ल एजेड अबाउट 16 years। थर्ड द काउंसिल फॉर द पार्टीज कंसिडरिंग द फैक्ट एंड नेचर ऑफ ऑफेंस विच इज सेड टू हैव बीन कमिटेड बाई एप्लीकेंट। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज अलाउड। एप्लीकेंट बी रिलीज्ड ऑन बेल 50,000 वन श्योरिटी।